हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और घर पड़ोसी दोस्त या रिश्तेदार एक समोसा तो बनता है मेरे यार। वेल, ये सुनकर आपको हंसी जरूर आई होगी, बट इसी टैगलाइन का इस्तेमाल करके एक कंपनी समोसा सिंह ने पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया है और आज इसी समोसे के धंधे से 600 करोड़ रुपयों का एम्पायर खड़ा कर दिया है। लेकिन आखिर कैसे एक समोसा बेचने वाला 600 करोड़ का मालिक हो सकता है, और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसके फाउंडर्स निधि सिंह और शिखर वीर सिंह को कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा, आइए सभी चीजें जानते हैं हम आज के इस इंस्पिरेशनल वीडियो में। सो, कहानी की शुरुआत होती है थाने के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी में निधि और शिखर एक साथ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, बट बहुत ही जल्द निधि को यह एहसास हो जाता है कि उनका इंटरेस्ट बायोटेक नहीं बल्कि मार्केटिंग था, और बस इसी एहसास के साथ उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा लिया और सीधा दिल्ली के लिए रवाना हो गई। वहां पर जाके उन्होंने एक US बेस्ड फार्मा कंपनी को ज्वाइन किया, और वहीं दूसरी ओर शिखर ने निधि के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और बायोटेक पढ़ना कंटिन्यू किया। और फिर कॉलेज में पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने हैदराबाद की ट्रेन पकड़ी और वहां जाके लाइफ साइंसेस में मास्टर्स करने की पढ़ाई शुरू कर दी। उसी मास्टर्स के दौरान उन्होंने ये बात नोटिस की कि अक्सर उनके दोस्त इंडियन चाट जैसे कि समोसा खाने के लिए कॉलेजेस से बाहर ठेले वालों के पास जाया करते थे। एक कॉमन नजारा जो हम सभी के स्कूल्स और कॉलेजेस के बाहर होता है। अब एक दिन जब वो भी अपने दोस्तों के साथ ठेले वालों के पास समोसा खाने गए, तब उन्होंने ये बात रियलाइज किया कि इंडिया में इंडियन लोग फास्ट फूड मोस्टली ठेले वालों के पास से ही खरीदते हैं, जहां पर एज यू नो इट 0% हाइजीन होता है। और जबकि दूसरी ओर अगर पिज्जास और बर्गर्स को देखा जाए तो वहां पर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन किया जाता है और उनके आउटलेट्स भी काफी ऑर्गेनाइज से होते हैं, और यहीं पर उन्हें वो सप्लाई गैप नजर आने लगा। इसे देखकर शिखर के मन में उगने लगी स्टार्टअप की वो कली, और फिर देखते ही देखते वक्त बीतता गया, उनकी गर्लफ्रेंड निधि गर्लफ्रेंड से पत्नी बन गई, दोनों की जिंदगी भी आगे बढ़ती रही, पर वो सोच अभी भी शिखर के मन में कहीं ना कहीं अटकी हुई थी। और फिर फाइनली एक दिन उन्होंने उस सोच के बारे में अपनी पत्नी निधि के साथ शेयर किया। आइडिया निधि को भी पसंद आया और वहीं से शुरुआत हुई समोसे सिंह के सोच के रोलर कोस्टर राइड की, वो राइड जो आगे चलकर शिखर और निधि के जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव लाने वाली थी। बट ये राइड शुरू होती उससे पहले ही शिखर को बायोकॉन फार्मा में जॉब लग गया था, और वो वहां पर पहुंच गए और निधि वर्ल्ड टूर में बिजी हो गई। दोनों अपने लाइफ में इतने बिजी हो गए थे कि उनके पास समोसा सिंह पर इन्वेस्ट करने के लिए कोई टाइम ही नहीं बचता था। बट शिखर के दिमाग से समोसे का ये आइडिया आखिर निकल ही नहीं रहा था, और इसीलिए बार बार कोई ना कोई बात करते वक्त उनकी बात हमेशा समोसे के अराउंड ही अटक जाती थी। और इसीलिए शिखर ने बायोकॉन में अपने साइंटिस्ट गिरी के साथ साथ अपने आइडिया समोसा सिंह के प्रति अपने जुनून को समान करते हुए उस विषय पर भी रिसर्च करना शुरू कर दिया। और उसी रिसर्च के दौरान तीन बड़ी चीजें उनके सामने आई। सबसे पहली चीज, भारत में रोजाना 600 लाख समोसे बेचे जा रहे हैं, बट ये पूरा का पूरा मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है। इसी सोच ने जन्म दिया दूसरे बात को कि क्यों ना इस समोसे के अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में अपने समोसे को बेच के ट्रायल एंड रन किया जाए, बिकॉज यहां पर आज सच कोई कॉम्पिटिशन भी नहीं है, तो सोचो मार्केट और ऑडियंस को कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटीज कितनी बढ़ जाती है। और तीसरी बात जो शिखर ने नोटिस की वो ये थी कि इंडिया में नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, हर मॉल्स, हर सिनेमा और मोस्टली हर होटल्स एंड कैफेटेरियाज में समोसे की डिमांड होती ही होती है, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड आगे भी रहने वाली है। यानी कि समोसा कोई पर्टिकुलर एरिया या रीजन या सीजन का स्नैक नहीं है, बल्कि वो कॉमन फूड है। और बस इसकी इतनी ज्यादा डिमांड देखने के बाद शिखर अपने पेशेंस लेवल को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाया। उन्होंने बस जल्द से जल्द अपनी वाइफ को मनाया स्टार्टअप के लिए, और उसके बाद अपनी जॉब को छोड़ दिया और निधि को वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करवा दिया। इन्फ्लेशन बढ़ना, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में कमी आना, गुड्स के प्राइसेस और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ जाना, विच लीड्स टू स्टॉक्स में अप्स एंड डाउन्स का बढ़ना, और क्राइसिस के समय पर सिर्फ वही लोग और उनकी फैमिली सर्वाइव कर पाते हैं जिन्होंने अच्छी सेविंग्स की हो, और हमें पिछले कुछ सालों में FD की असली वैल्यू पता तो चली गई है। सो व्हाई नॉट आफ्टर पॉपुलर डिमांड विद फिक्स्ड रिटर्न्स, लो रिस्क एंड बेटर रेट्स देन योर बैंक्स प्रोवाइड करने के लिए मैं लाया हूँ ग्रो ऐप। FD का बेसिक तो सभी को पता है, रिसर्च करो, बैंक के बारे में जानो, बेस्ट इंटरेस्ट रेट प्लान्स को समझो, और फिर फॉर्म्स पे फॉर्म्स फिल करके बैंक अकाउंट क्रिएट करो। लेकिन ग्रो ऐप पर तो अलग से सेविंग्स अकाउंट खोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, दैट आर 100% सिक्योर विद मल्टीपल ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, और आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स की ट्रैकिंग भी कर सकते हो, दैट टू फ्री इजी विड्रॉवल्स के साथ। अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है और अगर वो FD करते हैं तो एडिशनल 0.75% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो अभी डाउनलोड करो ग्रो और FD पे पाओ फिक्स्ड रिटर्न्स, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब बस सिर्फ जॉब छोड़ के स्टार्टअप खोल देना क्या इस बात की गारंटी दे सकता है कि आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए यहां पर इस कपल के पास तीन केसेस आ गए।
कि कैसे उनके प्रोडक्ट को औरों से यूनिक बनाया जाए, कैसे फ्लेवर्स को मेंटेन रखा जाए और कैसे हाइजीन को अचीव किया जा सके। और इन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालने के लिए उन्होंने उस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। अब कुछ दिनों तक दिमाग रगड़ने के बाद फाइनली उनके दिमाग की बत्ती चली और उन्होंने निधि को बोला कि ऐसा कहां पे लिखा है कि समोसे में फिलिंग्स सिर्फ आलू ही होना चाहिए, क्यों ना इसमें कुछ और भरा जाए। और यहीं पर जन्म लिया एक नए इनोवेटिव आइडिया ने, जिसने समोसा सिंह को मार्केट का किंग और दूसरों से एकदम डिफरेंट और यूनिक बना दिया। इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने R&D शुरू कर दिया, जहां पर निधि एक परफेक्ट डो बनाने के फॉर्मूला ढूंढ रही थी और वहीं पर शिखर आलू के जगह पर दूसरे अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे थे। और पूरे 10,000 घंटों की रिसर्च के बाद, यानी 1 साल 14 महीने के बाद, समोसा सिंह ने एक परफेक्ट डो खोजा जिसमें उसके 7 यूनिक और स्पेशल फ्लेवर्स जाने वाले थे, विच मींस फ्यूचर में वहां के कस्टमर्स के लिए काफी सारे डिफरेंट वैरायटीज अवेलेबल होने वाले थे। यू नो वैरायटीज लाइक नंबर 1 वेजी स्पाइस समोसा, नंबर 2 कढ़ाई पनीर समोसा, नंबर 3 चिकन कीमा समोसा, नंबर 4 चॉकलेट समोसा ऑल्सो नोन एज चोकोजा, नंबर 5 चीज ग्रिल समोसा, नंबर 6 शेजवान चिकन समोसा और नंबर 7 मंचूरियन समोसा। अब इन फ्लेवर्स के अलावा निधि और शिखर ने समोसे के शेप्स भी बदल दिए। उन्होंने एक ऐसा शेप बनाया जो आगे चलकर उनके बिजनेस एम्पायर का एक USP बनेगा। दरअसल उन्होंने ये बात नोटिस किया कि एक नॉर्मल समोसा खाने पर अक्सर हाथों में तेल लग जाता है और उसके बाद हाथ काफी चिपचिपे से फील होते हैं। और आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव एक्सपीरियंस दिस फीलिंग, बट ऐसा लगता है कि हम कुछ बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी खा रहे हैं, राइट? जिसकी वजह से वो लोग उस फूड आइटम के कंजम्पशन को या तो कंप्लीटली कट डाउन कर देते हैं या तो फिर कम कर देते हैं, और दोनों ही केसेस में कंपनी का लॉस है। और इसीलिए इसी लॉस को रोकने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना समोसे के शेप में कुछ हेरा फेरी की जाए। उसे ऐसा बनाया जाए कि उसे खाने के बाद कम तेल हाथों में चिपके और वो हेल्दी भी रहे। इसके बाद काफी सारे कुकिंग मेथोडोलॉजीज के इंटेंस रिसर्च के बाद निधि को फाइनली ये आइडिया आया कि क्यों ना समोसे को इंटरलॉक्ड शेप दे दिया जाए। और ऐसा करने से तेल कहीं से भी समोसे में घुसेगा नहीं और उसका सिर्फ सरफेस ही फ्राई होगा, जिससे वो क्रिस्पी भी बनेगा। स्मार्ट मूव, राइट? इनफैक्ट निधि का तो ये भी कहना है कि इस इंटरलॉक शेप की वजह से उनके समोसे रेगुलर समोसे से 56% लेस इन फैट और 43% लेस इन कैलोरीज होते हैं। बट इतना हेल्दी अल्टरनेटिव बनने के बावजूद भी उन दोनों ने यह फैसला लिया था कि वो कभी भी अपने समोसे की इस खासियत को एज अ मार्केटिंग पॉइंट नहीं इस्तेमाल करेंगे। We never ever promote our samosas as healthy. जहाँ पर अब ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? Well, इसके पीछे भी 2 वजहें थी। पहली वजह कि जैसे ही लोग ये सुनते हैं कि 50% less oil या 50% more healthy, तो साइकोलॉजिकली उनके माइंड में यही क्लिक होता है कि खाना शायद 50% less tasty भी होगा, और इसका मतलब वापस से उनके प्रोडक्ट्स कम बिकेंगे और उन्हें लॉस होगा। और दूसरी वजह यह थी कि सभी को पता है कि समोसा जंक फूड होता है, जिसे बेक नहीं बल्कि फ्राई किया जाता है। सो अब इतना सब पता होने के बाद अगर इन केस किसी को निधि के इंटरलॉक मेथोडोलॉजी के पीछे का साइंस नहीं समझेगा, तो वो ये कैसे समझ पाएंगे कि समोसा हेल्दी कैसे बना? यानी कि यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज उठेंगे और समोसा सिंह एज अ ब्रांड नेम का भी ब्रांड वैल्यू डाउन होगा। और इसीलिए उन दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया था कि लोगों के पीठ के पीछे उसे हेल्दी बनाएंगे और उनके सामने बस एक ही टैगलाइन रखेंगे, एंजॉय द चेंज, जो कि उनके समोसे की ही टैगलाइन है। और बस फिर क्या था, इस पूरे रोलर कोस्टर के राइड के उतार चढ़ाव के बाद फाइनली फरवरी 2016 में बैंगलोर के एक 300 स्क्वायर फुट किचन से समोसा सिंह की शुरुआत हुई, जहां पर शिखर समोसे तल रहे थे और निधि कैशियर और वेटर बनी थी। उन दोनों ने शुरुआती दिनों में स्केलेबिलिटी पर फोकस रखा था, यानी कि कम चार्जेस रखते हुए बड़े मार्केट को कैप्चर करना। मार्केट को बांधने के लिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के मिनिमम चार्जेस को बस 2 पर समोसा रखे, एंड वोइला उनकी वो तरकीब कामयाब भी बनी और बस 2 ही महीनों में वो रोजाना के 500 समोसास बेचने लगे। अब रोज के 500 समोसे तो बिक रहे थे, पर ये थोड़ी ना उनका फाइनल गोल था, उन्हें इसी कंफर्ट में थोड़ी ना रहना था। और इसीलिए उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने का एक दूसरा रास्ता चुना, जहां पर निधि के मार्केटिंग स्टडीज ने काफी हेल्प की। उन्होंने कई सारे MNCs में कोल्ड कॉल्स लगाने चालू कर दिए, बट शुरुआत में हर जगह उन्हें मोस्टली रिजेक्शंस ही मिले और लाखों कोशिशों के बाद फाइनली उन्हें एक MNC से ऑर्डर मिलता है, और वो ऑर्डर सरप्राइजिंगली पूरे 8,000 समोसे का था। ये इतना बड़ा ऑर्डर था कि उनके 300 स्क्वायर फुट का किचन इसके लिए काफी छोटा पड़ने वाला था। तो यहाँ पर अब क्या किया जाए? Well, औरों का तो पता नहीं, पर निधि और शिखर ने वो किया जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। उन्होंने इस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए उस घर को बेच दिया जिस घर को उन्होंने बस एक दिन पहले ही खरीदा था और वहां रहना भी चालू कर दिया था। यहाँ पर उन्होंने ये एक्शन को लेकर बस एक ही बात को प्रूव की कि अगर बिजनेस में सर्वाइव करना है
या बिजनेस को किसी मुकाम तक लेके जाना है तो रिस्क भी उठाने ही पड़ेंगे। उनके उसी एक के बाद एक रिस्क उठाने की पैटर्न की वजह से समोसा सिंह ने बहुत जल्द हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे और फिर मुंबई में अपने फ्रेंचाइजीज ओपन कर दिए। इतनी सारी फ्रेंचाइजीज थी और इसीलिए उन्होंने उन सबको एक साथ ऑपरेट करने के लिए ऑटो पायलट पर डाल दिया। मतलब उन्होंने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स और मेथड्स टू मेक समोसा उन्हें बता दिया, बिल्कुल सेम जैसे डोमिनोज और मैकडॉनल्ड्स करते हैं। इन्हीं सारी स्ट्रेटजीज के वजह से समोसा सिंह ने फाइनेंशियल ईयर 2017 में 5 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2018 में 50,000 समोसे अ डे बेचकर इन टोटल 8 करोड़ कमाए थे। और रिसेंटली 2020 में शी कैपिटल, फायरसाइड वेंचर्स, इक्वानिमिटी इन्वेस्टमेंट्स और एटी फंड ने मिलके समोसा सिंह में इन टोटल $2.7 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। पर हो सकता है कि उन इन्वेस्टर्स को खुद भी ये बात नहीं पता हो कि इंडिया में समोसा एक अनऑर्गेनाइज्ड और ओपन मार्केट है, जहां पर कंपटीशन के नाम पे समोसा सिंह के सामने बस 3 ही कॉम्पिटिटर्स है, द इंडियन समोसा, समोसा पार्टी एंड द समोसा एक्सप्रेस। और कंपेरेटिवली उन सबसे समोसा सिंह अपने यूनिक शेप, फ्लेवर्स और स्ट्रेटेजी के वजह से काफी आगे है। अभी उनके रीसेंट स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो उनका प्लान ये है कि फंड से मिले हुए पैसों से वो एक क्लाउड किचन मॉडल पर शिफ्ट हो जाए, या फिर एटलीस्ट उसे साइड बाय साइड चला के उसका रिजल्ट देखे, जहां ऑल ओवर इंडिया में 100 किचन उनके ओपन होंगे और वो नेशनली सारे इंडिया की भूख मिटाए। वेल, इट श्योरली इज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट। आपको क्या लगता है, क्या उनका ये प्लान सक्सेसफुल होगा या उनके कंपेटिटर्स उनसे आगे निकल जाए? एंड फ्रेंड्स, डोंट यू थिंक कि अभी भी ये समोसे का मार्केट काफी लेस कॉम्पिटिशन वाला मार्केट है? तो अगर आप अपना नेक्स्ट स्टार्टअप खोलना चाहोगे, मे बी इस मार्केट में अच्छे अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना करो और स्मार्ट बनते रहो। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले ग्रो ऐप को डाउनलोड करके FD की शुरुआत करना मत भूलना। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।